हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। और इसमें हम जो आपकी नेक्स्ट ड्राइंग पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है स्टील कनेक्शन। तो स्टील कनेक्शन कैसे है, देखिए स्टील का स्टील से ही कनेक्शन, जैसे स्टील बीम का स्टील बीम से कनेक्शन, स्टील कॉलम का स्टील बीम से कनेक्शन, माइनर और मेजर बीम के कनेक्शंस। तो ये कनेक्शंस किस तरह से दिए जाते हैं, आज हम इसमें ये पढ़ेंगे। तो देखिए हमने इस क्या है, एक ड्राइंग के लिए जो है आपका एक क्वेश्चंस लिया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो मैंने लिया है वो है एक, यहाँ से ही हम इसकी ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो यह है देखिए, एक स्टील बीम का जो है दूसरी स्टील बीम से कनेक्शंस हैं, कि एक जो है क्या है, एक मेन बीम है और सेकेंडरी बीम्स हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं। तो देखिए ये क्या है, आपकी मेन बीम है और ये सेकेंडरी बीम्स है दो, और ये जो अलग अलग डायमेंशंस की हैं। मेन बीम आपकी अलग डायमेंशंस की है, आपकी सेकेंडरी बीम अलग डायमेंशंस की है। तो इसमें आज हम आपका पढ़ेंगे ये। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि एक बीम में कौन कौन से खंड होते हैं, देखिए तो वो भी हम ज़रा थोड़ा देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा रहे। डेप्थ ऑफ बीम होती है आपकी क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डेप्थ, ठीक। फिर आता है आपका वेव, वेव होता है आपका ये वाला पोर्शन जो वर्टिकल होता है, और फ्लेंज होता है आपका ये वाला पोर्शन जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक। फिर आता है आपका टी एफ होती है आपकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज, क्या होती है टी एफ, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ठीक, जो कौन सी होती है, ये पतली वाली जो ये दिख रही है आपको, ठीक। और आपका जो टी डब्ल्यू होता है वो होता है आपका थिकनेस ऑफ वेव, जो ये वाली थिकनेस है वो दिख रही है प्लस, और आपका होता है विड्थ ऑफ फ्लेंज, जो आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है, थीके? आपकी क्या है, ये चीज़ें जो रहती हैं ज़रूरी रहती हैं। फिर आता है आपका कि इसमें देखिए क्या है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, धरनों के ऊपरी तल में, ऊपरी तल एक तल में रखते हुए निम्न आंकड़ों से एक फ्रेम्ड संबंध के दृश्य बनाइए, क्योंकि हम फ्रेम्ड कनेक्शन पढ़ रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में है फ्रेम्ड कनेक्शन। मेन बीम है देखिए आपकी इंडियन स्टैंडर्ड चार ISMB 400 एट द रेट 61.6 किलोग्राम पर मीटर। तो ये वाली जो है देखिए आपकी बीम, ये जो आपकी मेन बीम है, ठीक, मेन बीम का से कनेक्शन दिखाएंगे ना दोनों का। तो ये मेन बीम कौन सी है, इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे माइनर बीम नहीं है, यहाँ पे है इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये मेन बीम है तो ये मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 400 क्या है इसकी डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। यह है इसकी क्या, 400 एट द रेट जिसका 61.6 किलोग्राम पर मीटर जो है इसका वेट है। अब चीज़ आती है, एक बात आती है कि आपको इसके लिए डायमेंशंस कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए आपके इसके लिए स्टील टेबल से डायमेंशंस मिल जाएंगी, वैसे मैंने यहाँ पे सारी डायमेंशन ऑलरेडी ले रखी हैं जो आपके ड्राइंग में ज़रूरत पड़ेंगी, या मैं आपको स्टील टेबल भी इसकी प्रोवाइड करा दूँगी। फिर आता है आपका द्वितीय धरने हैं, प्रथम ISJB देखिए कौन सी दिखा रहे हैं, ये वाली ISJB है, ये इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, JB मतलब ISB का, ISJB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, जिसकी डायमेंशन क्या है 150, मतलब इसकी डेप्थ बीम की कितनी है, जो अगर ये डेप्थ देखिए उन्होंने दे रखा कितनी है 150 है, एट द रेट 7.1 किलोग्राम पर मीटर। अब सेकेंडरी, एक दो बीम जुड़ी हुई है ना इससे, एक तो ये ISJB हो गई, कौन सी, ये वाली, दूसरी कौन सी है ISLB, ये वाली ISLB 225 इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISLB फुल फॉर्म मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 225 क्या है इसकी, ये डेप्थ ऑफ बीम है और एट द रेट 23.5 किलोग्राम पर मीटर जो है इसका वो वेट है। अच्छा, प्रथम धरन के लिए जो क्लीट का जो खंड जो हो रहा है, क्लीट एंगल सेक्शन है, कोणीय खंड है, तो एंगल सेक्शन होगा। एंगल सेक्शन क्या होता है आपको पता होगा, तो इस तरह से एंगल सेक्शन होता है ना, ये भी एंगल सेक्शन होते हैं इस तरह से, ठीक, दोनों तरफ से भी होते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है, क्लीट है आपका, तो ये किस तरह से होता है, ये होता है ना क्लीट, इसमें भी आपको इसी तरह से शो होगा, नॉर्मली क्लीट तो ये होता है, ठीक। तो ये है कितना, 100 × 100 × 8, मतलब 100 क्या है ये चीज़ है, 100 क्या है इसकी ये चीज़ है, और 8 क्या है ये है इसकी थिकनेस, किसकी, क्लीट की, जो किस पे यूज़ हो रहा है, ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, किस पे, इस वाली पर। फिर है
द्वितीय धरण के लिए जो प्लीट का आपका एंगल सेक्शन है वो कितना है, आई एस इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, इसके लिए जो यूज़ हो रहा है वो कितने का है, जैसे अगर हम सेक्शन बना रहे तो 150 का आपका ये हो जाएगा और 150 का आपका हो जाएगा 150 × 150 × 10 क्या है इनकी, ये वाली थिकनेस। ये तो था, ये हमने इससे पहले जो आपका क्लीट्स पर्लिंस ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, रिवेट वगैरह, रिवेट की पिच क्या होती है, ठीक, ये सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। किस में आपका जो वो था, जो आपने ट्रसेस पढ़े थे उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर है देखिए रिवेट ब्यास इन्होंने दे रखा है 16 mm, तो यहाँ से पिच निकाल सकते हैं। पीस इक्वल टू क्या है, D × 3, मतलब डाय कितना है 16 × 3, तो कितना हो गया, ठीक, 48। तो पिच भी इसकी जो है यहाँ से निकल आएगी। और फिर क्या है इसका, जब प्लेट्स जो है, प्लेट्स जैसे ये प्लेट है, अब इस प्लेट्स के बाद आप पिच निकालना, जब आप इससे जो है रिवेट लगाएंगे तो उस प्लेट्स की क्या होती है 1.5, मतलब जो रिवेट होती है किसी भी प्लेट्स के किनारे से 1.5 × D डायमेंशन से क्या होना चाहिए, 1.5 × D डायमेंशन से अंदर ही होना चाहिए नॉर्मली जो पहला रिवेट लगता है, ठीक। फिर आता है आपका, अब इसका देखिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम कैसे बना हुआ है। ये डायग्राम है देखिए इनका, कि ये है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड जो आपकी मीडियम बीम है, ठीक, इसकी क्या है डायमेंशन 400 है, ठीक है, बना लेंगे 400 डायमेंशन के लिए आपको ए बीम बनाने, ठीक। अब इस इंडियन स्टैंडर्ड 400 के लिए कुछ डायमेंशन क्या होनी चाहिए, देखिए जो मैंने लिख लिया है, विड्थ ऑफ फ्लेंज है आपकी क्या, इसके लिए आपकी विड्थ ऑफ फ्लेंज आपकी, ओहो हाँ देखिए, इसके लिए आपकी विड्थ ऑफ फ्लेंज है कितनी, ये इंडियन स्टैंडर्ड 400 का आप एक आई सेक्शन बनाएंगे जिसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज है कितनी 140, ये वाली, ठीक, 140 क्या है इसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज है, ठीक। आपको ये वाली डायमेंशन भी मिल गई अब कि ये इसकी विड्थ कितनी है। अब निकालना है इसका TW कितना है, क्योंकि आप उसी मोटाई का तो बीम बनाएंगे ना। अगर आपको एक आई सेक्शन में इस तरह से बीम बनाना है, पहले आप ये बीम इस तरह से बनाएंगे ना, ठीक, आपको आई सेक्शन में बीम बनाना है तो आपको ये डायमेंशन तो पता होनी चाहिए ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं TW, क्या, थिकनेस ऑफ वेव। ये क्या है आपकी ISMB 400 के लिए कितनी है, 8.9 mm क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली थिकनेस, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका TF कितना है आपका, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है आपका, ये यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं पर्सनली क्योंकि डायग्राम बहुत छोटा है इसलिए, ये है आपका कितना 16 mm, ठीक। अब क्या है आपकी ये वाली जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेजर बीम बन गई। अब इसके एक साइड आपको लगाना है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम और दूसरी साइड लगाना है आपको इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। तो पहले हम लाइट बीम लगा लेते हैं, ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम देखिए, क्योंकि दोनों ऊपरी तल पर लगे और एक तल में रखी हुई है, ठीक है, ऊपर से ऐड है तो ये जो है लगी हुई है, ठीक। तो देखिए ये क्या है आपका 225 है ना इसकी, तो पहले आप 225 की एक थिकनेस, 225 एक लंबाई, ठीक, जिसकी चौड़ाई है कितनी 225 जो है ये, इसका एक वो खींचते हैं। और इसकी लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ रिवेट वगैरह ही शो करने हैं, रिवेट वगैरह हमारे शो हो जाए और हमारा थोड़ा सा जो है हमारी वैल्यूज़ दिख जाए, हमें इतना चाहिए, तो इसे हम कट का माप लगा देते हैं। अब ये क्या है एक्सपेंशन गैप लिया हुआ है इन्होंने, क्यों हम जानते हैं क्योंकि स्टील है तो स्टील में एक्सपेंशन होता है, ठीक। तो ये लिया है 8 mm का, कहाँ से, बीम के दोनों तरफ, जैसे ये बीम जो है लगा लगी हुई है तो यहाँ से अगर नई बीम जोड़ेंगे तो उसके लिए एक्सपेंशन गैप ले रखा है दोनों बीमों में, ठीक। ये है कितना बीच का 8 mm का, जो आपको ये चीज़ शो हो रही होगी, ठीक, बीच में। फिर है इंडियन स्टैंडर्ड क्लीट का यूज़ हुआ है, देखिए 150, तो ये क्लीट लगा है 150 का ये, और × 150 × 10, ठीक, 150 × 150 × 10 का ये क्लीट लगा हुआ है, कौन सा आपका, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड एंगल का। अब इसमें ये रिवेट लगी हुई कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है। ये यहाँ से आप क्या करते हैं कि आप रिवेट की संख्या भी निकाल सकते हैं, आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इसके लिए, आपने स्टील टेबल में, स्टील जो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा डिज़ाइनिंग में। फिर है ये आपकी ये हो गई, ठीक। इसके लिए क्या है देखिए IS, ये कौन सा था, ISLB 225 के लिए। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए जो आपका थिकनेस है किसका, फ्लेंज का, वो 8.6 mm, मतलब इसके लिए जो ये पतली सी लाइन आपको दूसरी वाली लेनी है, ये वाली, ये लेनी है आपको 8.6 mm दोनों साइड में। और थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो इसमें शो नहीं हो रही, वो कहाँ शो की होगी आपकी,
इस साइड में शो हो जाएगी आपकी, अगर ये ISLV 200 उस पर ले रखा है तो। ठीक, वो है इसकी थिकनेस ऑफ वेव है इसकी 5.8 mm, ऑल डायमेंशंस इन mm। फिर आता है आपका क्या, इसके लिए आपका विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है, देखिए विड्थ ऑफ फ्लैंज है इसकी क्या 100 mm, विड्थ ऑफ फ्लैंज है इसकी 100 mm। ठीक, वो आपको यहाँ पे शो करनी है साइड व्यू में जो आपको दिख रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ है ये साइड व्यू में ये चीज़ जिसमें ज़्यादा रिबेट लग रहा है। ठीक, फिर है आपका, ये था आपका कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम का कनेक्शंस रिबेट की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे कि आप इसमें 3D में देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, जैसे अगर ये आपकी कोई मेन बीम है और ये सेकेंडरी बीम है तो बीम लगा देते हैं, और कैसे ये रिबेट की सहायता से दोनों तरफ क्लीट की सहायता से जोड़ रखा है और क्लीट को रिबेट की सहायता से फंसा रखा है। देखिए ये है ना, इस तरह से आप इसके 3D डायमेंशंस भी डायग्राम भी इसलिए हमने साथ में ले लिए हैं। इसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम इन्होंने ज्वाइंट कर रखी है। ठीक, इसके लिए क्या है, देखिए आपका TW कितना है इसका, इसके लिए जो आपका TW है कितना है, वो 3 mm है, विड्थ ऑफ फ्लैंज है 50 mm। ठीक, विड्थ ऑफ फ्लैंज कौन सी, ये वाली जो आपको दिख रही है, विड्थ नहीं, विड्थ ऑफ फ्लैंज जो आपको इस तरह से होगी जो आपको नहीं दिख रही है, इसके लिए TW है वो है कितनी 3 mm थिकनेस ऑफ वेव, और इसके लिए T है आपका 4.6 mm। ऑलरेडी इसमें भी ये चीज़ लिख रखा है। ठीक, इसमें भी इन्होंने ये मार्क कर रखा है। तो ये था हमारा क्या, फ्रेम्ड कनेक्शन है किसका, धरनों के ऊपरी तल में अगर दो अलग टाइप की बीम है तो उन्हें ऊपरी तल में किस तरह से जोड़ेंगे, ये था उसका स्टील कनेक्शंस। ये डायग्राम है, आप इनको अलग अलग डायमेंशंस पे बना के भी खुद से प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, लेकिन आप बेटर है कि आप ये वैल्यूज़ याद रखें। ठीक, ये था आपका क्लास स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का, आपका ये फ्रेम कनेक्शंस का, बीम टू बीम का, ये यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।